वंदे भारत ट्रेन एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनी, बिल्कुल एक ऐसी ट्रेन जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। 160 और 180 की जो स्पीड होती है, उस स्पीड पे ट्रेन को डिजाइन करना, दुनिया में केवल 8 देशों के पास ये क्षमता है। ओनली 8 कंट्रीज हैव दी डिजाइन कैपेबिलिटी टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर अ ट्रेन विच कैन रन एट 180 kmph। वी हैव ज्वाइंट दैट वेरी एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन को डिजाइन कर सकते हैं, सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन की बात एक है, आत्मनिर्भर भारत की बात है ये। साथ ही साथ जो पैसेंजर्स को इससे कंफर्ट आया और पैसेंजर्स को जिस तरह से एक नया साधन मिला, वो एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के किसी भी कोने में जाएं और अभी जून के महीने में देश के सारे राज्यों को वंदे भारत से कवर कर लिया जाएगा। एक एक करके आप में से बहुत लोग कई बार प्रश्न पूछते थे कि क्या चुनाव के राज्य की बात है। नहीं, आपने देखा एकदम स्टेबल तरीके से मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हरेक राज्य को वंदे भारत मिले। और देखो नॉर्थ ईस्ट, आज से अगर 20 साल 10 साल पहले अगर आप बात करोगे, 10 साल पहले तक क्या होते थे, परिस्थितियां क्या होती थी, कोई नई चीज जब भी आती थी तो नई चीज नॉर्थ ईस्ट में पहुंचती थी सबसे लास्ट में। ये मोदी जी का पीरियड है जिसमें नॉर्थ ईस्ट को नई चीजें भी पूरे देश के समकक्ष साथ ही मिलती है। तो वंदे भारत अभी गुवाहाटी से लॉन्च हुई थी, एक और ट्रेन बन रही है गुवाहाटी से सिलचर के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, केरल हुआ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, अभी ऑलरेडी गाड़ी पहुंच रही है वहां पे, तो बिहार में भी और झारखंड में भी बहुत जल्दी चालू होगी, बंगाल में, उड़ीसा में, हर स्टेट में वंदे भारत जून के महीने में पहुंच जाएगी। उसके बाद में विद इन द स्टेट्स और शहरों को कनेक्ट करेंगे। टारगेट लेके चल रहे हैं कि करीब करीब 200 शहरों को वी मस्ट बी एबल टू कवर 200 सिटीज बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर।